मुझे लगता है कि मैं आई थिंक उस एक्सपीरियंस से अभी तक बाहर ही नहीं आई हूँ. आई थिंक आई विल टेक सम टाइम बिकॉज वो पिक्चर, वो आवाज़ मेरे दिमाग में अभी तक है, वो गूंज रही है. दैट द विनर ऑफ लीवा मिस डेवा यूनिवर्स 2023 इज श्वेता शारदा. तो जब वो क्राउन मेरे सर पे आ रहा था तो मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें आई जो मैंने इतने महीनों से, जो मेरे मेहनत थी, जो मेरे मैंने स्लीपलेस नाइट्स में मेहनत की है, ऑल द सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम पीपल अराउंड मी. तो मेरे दिमाग में बस वो एक ग्रेटफुलनेस था कि फाइनली आई हैव गॉटन, माई हार्ड वर्क पेज ऑफ. सो वो एक फीलिंग थी. एंड ऑल्सो अभी तक मैं आपको अपने आपको एज एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रही थी उस स्टेज पे, श्वेता शारदा, बट नाउ आई विल बी वेयरिंग द सैश ऑफ इंडिया. सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई विल लर्न फ्रॉम द जर्नी एज आई हैव लर्न फ्रॉम सोनल एंड त्रिशा. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए, एंड आई एम गोना give all my best. I'm going to bring that crown back to our country, and I'm going to make all the Indians proud. What inspires you? मैं अपने लाइफ में इंस्पिरेशन बहुत सारी जगह से ड्रॉ करती हूँ, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर करियर वाइज हो या फिर फैमिली से हो. लेकिन especially पैशन के बारे में बात करते हुए, जब मैं छोटी थी तब से, as cliche as it sounds, जब मैं छोटी थी तब से मैं पैजेंट्स देखते आई हूँ. और जब मैं लारा दत्ता जी को बात करते हुए देखती थी तो उनके बारे में ऐसी कोई मैग्नेटिक एनर्जी है जो देख के मुझे लगता था मुझे ये बनना है. तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था. आज सर पे ताज है तो इंस्पिरेशन काम कर गया. लेकिन अलॉन्ग द जर्नी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि खुद को अपना इंस्पिरेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा खुद को ही जानते हैं. चाहे वो हमारे डाउनफॉल्स हो या हमारा सक्सेस हो, हर एक चीज़ जो लाइफ में होता है हम किसी और को उतना नहीं परख सकते जितना हम खुद को परखते हैं. तो खुद को इंस्पिरेशन बना के, खुद को एनालाइज़ करके मैं आज खुद पर काम करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और एस्पायर करती हूँ कि और भी आगे बढ़ूँ. आई थिंक इतनी ब्यूटिफुल जर्नी रही है, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट हमें इतने लोगों का साथ मिला है टू गेट टू वेयर वी आर. कोई इस जर्नी में इज नॉट पॉसिबल अकेले कहीं भी पहुँचना किसी भी बात पे. स्टार्टिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला फ्रॉम माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, पर उसके साथ साथ ही इतने सारे स्ट्रेंजर्स दैट दैट मेड मी फील कि मैं उनके लिए भी, मतलब दो आई एम वर्किंग फॉर द क्राउन, वो उनके लिए भी है, क्योंकि वो एक उनका भी सपना है. छू जाए वो नहीं कर पाए किसी वजह से, उसको मैं जीने जा रही हूँ. सो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. मुझे वो जर्नी से गो थ्रू करके बहुत कुछ सीखने के लिए मिला अपने बारे में ऑफकोर्स, बट ऑल्सो कि लाइफ इज़ अ मिरर. आप जो लाइफ को दोगे वो आपको वापस देगा. एंड 10 times दैट आई हैव गॉटन 10 times वो प्यार लोगों का, वो रिस्पेक्ट, और मैं अब उसको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ. ऑफकोर्स इस जर्नी से मुझे ये भी सीखने को मिला कि अकेले आप एक पॉइंट तक जा सकते हो, उससे आगे जाने के लिए यू नीड अ होल टीम. सो वर्क ऑन दैट एंड चेरिश दैट. जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दैम, एंड दैट्स वॉट आई थिंक गॉट मी सो फार ऑल्सो. Not yet.